हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं अचारी मटरी। अचार का जो मसाला बच जाता है उसी से हम इसे तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसे स्टोर करके काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं, जब भी मेहमान आए तो आप इसे सर्व कीजिए। बहुत ही क्रिस्पी हमारी अचारी मटरी बनके तैयार हुई है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा, आधी छोटी चम्मच इसमें अजवाइन डाली है, थोड़ा क्रश करके डालिए, अच्छी खुशबू आएगी। आधी छोटी चम्मच इसमें नमक डाला है और मिक्स कर लेंगे। अब हम 1/4 कप ये मैंने ऑयल लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आप देखिए थोड़ा सा और डालते हैं, फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोइन जो होता है उसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने बचा लिया है, 1/4 कप जो हमारा ऑयल था। अब एक छोटी गिलास मैंने पानी लिया है, आटा लगाएंगे। आटा हम थोड़ा सख्त ही लगाएंगे। ये देखिए आटा हमारा तैयार हो चुका है। सख्त डो तैयार करना है, जैसे समोसों का डो हम तैयार करते हैं ना उसी टाइप का। ये देखिए अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे ढक के। ये 2 टेबलस्पून जो हमारा ऑयल बचा था उसे हम लेंगे, आधा कप हम इसमें बेसन डालेंगे और इसे भून लेंगे। अच्छी खुशबू आने तक हमें इसे भूनना है, लो फ्लेम पर आप इसे भूनिए। अब ये सिक चुका है, फ्लेम को बंद कर देंगे और थोड़ी देर और चलाएंगे। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। हमारा जो अचार का मसाला बचा होता है ना उसी को हम यूज़ करेंगे। हम इसमें मैंने ये 2-2.5 टेबलस्पून इसमें अचार का मसाला लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मसाला और लेंगे, अभी ये ड्राई लग रहा है। लगभग इसमें 3 टेबलस्पून मसाला मैंने यूज़ किया है। आप देखिए इस तरह से ये एक जगह इकट्ठा होने लगा है और यही हमें कंसिस्टेंसी इसमें चाहिए। एक साइड पे हम ऑयल गर्म रख देते हैं हमारी मटरी को डीप फ्राई करने के लिए। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम हमारा आटा देख लेते हैं। ये देखिए डो हमारा रेडी हो गया है, 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे थोड़ा मसल के चिकना कर लेते हैं। छोटी सी हम इसकी लोई लेंगे, नींबू की साइज़ की हमें इसकी लोई लेनी है। इसे हम बेल लेंगे, छोटे से आकार की हम एक रोटी बनाएंगे और इसके बीच में ये 1/2 टेबलस्पून हम इसमें हमारा जो अचार का मिश्रण था वो डाल देंगे और इसे अच्छे से बंद करेंगे। बंद हमें इसे अच्छे से करना है, नहीं तो ये तेल में निकल जाएगा। अच्छे से बंद करिए और फिर से इसे बेल लीजिए। छोटे आकार की लोई बेलिए। अब हम इसके साइड में ऐसे डिज़ाइन बना देंगे। अगर आपको पसंद है तो आप बनाएं, ना पसंद है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। इसी प्रकार हम सारी मटरी तैयार कर लेंगे। मटरी का साइज भी आप छोटा बड़ा अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। मैं थोड़े बड़े साइज की इन्हें बना रही हूँ। सारी रेडी हो गई है हमारी मटरी। अब हम इसे कांटे की सहायता से गोंद लेंगे, दोनों साइड से हम इसे गोंदेंगे। ऐसा करने से इसके अंदर जो एयर है वो निकल जाएगी और ये फूलेगी नहीं, नहीं तो ये एकदम कचौरी की तरह फूल जाएगी। सारी मटरियों को हम इसी प्रकार गोंद लेंगे। तेल को चेक करेंगे कि कितना गर्म हो चुका है। ये देखिए 2 से 3 सेकंड के बाद जब हमने इसमें वो डो डाला है आटे का वो ऊपर आ गया है, इसका मतलब ऑयल हमारा एकदम परफेक्ट है। अब फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसमें हमारी मटरी डालेंगे।
मटर सिकते वक्त फ्लेम को लो मीडियम के बीच में ही रखना है। देखिए ये अपने आप ऊपर आ जाती है, तैरने लगती है। अब हम इसकी दोनों साइड उल्ट पलट के सेक लेंगे। इसे सेकने में कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाते हैं, एक पेज में इतना टाइम हमें लगता है। इसी प्रकार सारी मटरियाँ हम सेक लेते हैं। बहुत ही प्यारा कलर आया है, देखिए बहुत टेस्टी हमारी मटरियाँ बनके तैयार हो गई है। मटरियों को किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के आप इसे एक डेढ़ महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं।